बताइए, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो जानबूझकर के एक्सीडेंट करना चाहता हो? कोई भी नहीं है, फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही भूल चूक हो रही, तभी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाँ या ना? जब कोई भी नहीं चाहता है तो फिर कैसे हो रहा है? कुछ ना कुछ तो गलतियां हो रही होगी, हाँ या ना? और वो क्या गलतियां हो रही है, अब मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, गलत लेन में गाड़ी चलाना। आपको अंदाजा नहीं है या तो फिर जाने अनजाने में गलत लेन में गाड़ी चलाना एक्सीडेंट का एक कारण होता है। ओवर स्पीडिंग करना, ओवर स्पीडिंग आप समझ रहे हैं? जो गाड़ी का निर्धारित गति सीमा होती है रोड के हिसाब से, उससे अधिक तेज गाड़ी चलाना एक्सीडेंट का दूसरा कारण है। तीसरा, आगे चल रही गाड़ी से कम फासला बनाना। जो आगे चल रही गाड़ी है उससे हम कम फासला बना करके चलते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है। चौथा, नींद में गाड़ी चलाना। अगर आप नींद में गाड़ी चलाएंगे या थकावट में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट का खतरा बहुत बढ़ेगा। पांचवा, नशा करके गाड़ी चलाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करके गाड़ी चलाते हो तो एक्सीडेंट का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान का भटकना। अगर गाड़ी चलाते हुए आपका ध्यान भटका तो एक्सीडेंट के खतरे बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो छह बातें मैंने आपको बताई, ये छह बातों को हमेशा ध्यान में रख करके आपको गाड़ी चलानी है। कि ये छह काम हम कभी नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, एक्सीडेंट के खतरे अपने आप कम हो जाएंगे। मानते हो आप लोग, हाँ या ना? सही बात बोल रहा हूं। तो क्या करना है कि जो मैंने ये छह बातें आपको बताई, इस छह बातों को ध्यान में रख करके गाड़ी चलाना है, हर संभव सुरक्षित रहना है और खुश रहना है। सही है।